अब कच्चे नहीं रहेंगे कौशल निगम के कर्मचारी। कांग्रेस ने किया पक्के करने का बड़ा ऐलान। कच्चे कर्मचारियों को लेकर घोषणा पत्र में किया वादा। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के करीब 1.25 लाख कर्मचारी अब कच्चे नहीं रहेंगे। भाजपा द्वारा कई दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इन्हें हटा देगी, लेकिन कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर साफ कहा कि कौशल कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा, इन्हें उचित वेतन देकर समायोजित किया जाएगा। बता दें कि कौशल निगम कर्मचारी भाजपा से खफा चल रहे थे। उनका कहना है कि 10 साल तो भाजपा ने कुछ नहीं किया और अब चुनाव के ऐन वक्त बिना लेटर दिए जॉब सिक्योरिटी का झूठ बोला गया। चुनाव में ये 1.25 लाख कर्मचारी भाजपा को उसके झूठ का करारा जवाब दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने लगभग 7000 CPLO व LCLO को भी कौशल कर्मियों के बराबर मानदेय देकर उन्हें समायोजित करने की घोषणा की है। भाजपा ने दो दो टेस्ट लेकर भर्ती किए गए CPLO को केवल 6000 रुपए मानदेय दिया था, जिसे लेकर इन्होंने कई बार प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों को भी नियमित करने की घोषणा की है। सीवर सफाई कर्मचारियों को 5000 जोखिम भत्ता व 30 लाख का बीमा मिलेगा। कई साल से भाजपा सरकार से लोहा ले रही आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स के भी मानदेय में बढ़ोतरी करने की कांग्रेस ने घोषणा की है। सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने वेतन बढ़ोतरी और नियमित करने की नीति बनाने का वादा किया है। कच्चे कर्मचारियों का यह एक बड़ा वर्ग है जो विधानसभा चुनाव में भाजपा से खफा बैठा है। कांग्रेस की कच्चे कर्मचारियों को लेकर की गई ये घोषणाओं चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। लगभग 2.5 लाख पक्के कर्मचारी भी कई साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इनकी बात सुनी और OPS लागू करने का वादा किया है। वेतन विसंगतियां भी दूर करने का कांग्रेस इरादा दिखा रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में SC ST OBC बैकलॉग को भी भरने का वादा किया है। ऐसे में 5 लाख से ज्यादा कच्चे पक्के कर्मचारी इस चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं।